जो कुछ आप अपने जीवन में बोते हो अब वही काट। परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपसे ऑलरेडी बात कर चुका है अपने लिखित वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आज के वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा और बहुत सी चीज़ों को वो आज आप पर जाहिर करेगा और आपको सिखाएगा। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उत्पत्ति 42 उसकी 21 आयत में लिखा है। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी, इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। हालेलुया। हम सब ये जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो घूमती है अपने आप में, और हम 24 घंटे में दिन और रात दोनों को देखते हैं। जितनी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं, जितनी भी क्रिएशंस परमेश्वर की है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब है। और वो आत्मिक मतलब हम तभी समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसके वचनों को डेली पढ़ते हैं। याद रखें, जो कुछ आप अपने जीवन में बोते हैं, जो कुछ आप अपने जीवन को देते हैं, वो चीज़ घूमकर वापस आपके पास आती है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो यूसुफ के भाई थे, जिन्होंने यूसुफ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद उसे बेच दिया, और जब कुछ सालों बाद उनके देश में अकाल पड़ा और वो अन्न के लिए मिस्र में गए कि हम अन्न को वहाँ पर बाय करें, हम उसे मोल लेकर आए, तो बाइबल में लिखा वो वहाँ पर फंस गए। और फिर वो आपस में बात कर रहे थे कि जो कुछ हमने अपने भाई के साथ किया, जैसा व्यवहार हमने अपने भाई के साथ किया, आज परमेश्वर ने हमें वो वापस रिटर्न किया है और हम पर अब मुसीबत आन पड़ी है, हम फंस चुके हैं। और वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि जो कुछ हम बोते हैं, जो कुछ हम अपने जीवन में करते हैं, वो हमें रिटर्न बैक मिलता है, वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। अगर याकूब ने धोखा बोया, उसने धोखा दिया, तो जब वो लेबान के घर गया तो उसे भी वहाँ पर धोखा मिला और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पर जब वो इस बात को समझा, जब उसे रियलाइज़ हुआ, तो वो परमेश्वर के करीब गया, उसने परमेश्वर से माफ़ी को मांगा और फिर परमेश्वर ने उसके जीवन को खाली ना रहने दिया और उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो कुछ अपने जीवन में बोएंगे तो वो आपको काटना पड़ेगा। ज़िंदगी आपको वही देती है जो आप ज़िंदगी को देते हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि खुद ही मिट्टी खूनू लग जाती है। आज अगर इंसान खाली है, अगर वो किसी मुसीबत में है, अगर वो परेशान है, तो वो इसलिए परेशान नहीं है कि उसके दोस्तों ने या उसके घर वालों ने उसको धोखा दिया है या उसके साथ कोई नहीं है। वो इसलिए परेशान है, वो इसीलिए मुसीबत में है क्योंकि परमेश्वर
उसके साथ नहीं है। जो कुछ आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में काटें, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने समाज में, दूसरों के जीवनों में, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवनों में वही बोना है जो आप काटना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मुसीबत को देखना नहीं चाहते, अगर आप अपनी लाइफ में धोखे को देखना नहीं चाहते, तो आपको दूसरों को भी मुसीबत में नहीं डालना, आपको दूसरों को भी धोखा नहीं देना। अगर आप गेहूं को बोएंगे तो आप गेहूं काटेंगे, और अगर आप कांटों को बोएंगे तो आप अपने जीवन में कांटों को ही काटेंगे। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों को गलत तरीक़ों से पैसा कमाना सिखाते हैं। वो गलत काम कर फ्रॉड कर दो नंबर में पैसा कमाते हैं, और उनके बच्चों को भी वो यही सिखाते हैं, और उनके बच्चे देखते हैं अपने पिता की तरफ और वो ऐसा ही सीखते हैं, और वो खुश होते हैं। उस टाइम तो वो आनंद करते हैं कि वो फाइनेंशियली बढ़ रहे हैं, पर एक दिन वही पैसा कारण बनता है उनके आपस में रिलेशनशिप में फूट का, और उसी पैसे के कारण वो बच्चे अपने बाप को फिर छोड़ देते हैं, और फिर वो बाप दुखी होता है, वो फिर बेचारा बन जाता है। पर वो ये नहीं जानता कि उसने अपने जीवन में यही बोया था। जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कि जो मोर्दके था उसने एस्तर के जीवन में पवित्रताई को बोया, अनुशासन को बोया, डिसिप्लिन को बोया, और जब एक टाइम आया जब एस्तर बड़ी हुई तो वही एस्तर अपने जाति के लिए, मोर्दके के लिए बचाव का कारण बनी, उनकी ब्लेसिंग का कारण बनी। हालेलुया। आज बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के जीवन में अनुशासन को नहीं बोती, डिसिप्लिन को नहीं बोती, वो अपने बच्चों को गाइड नहीं करती कि तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें पवित्रताई में रहना है। आज माएँ ज़रूरी नहीं समझती कि उनका बच्चा कैसे दोस्तों के साथ मिल रहा है, हमें यह जानने की ज़रूरत है, हमें उसे गाइड करने की ज़रूरत है, उसे ज़बरदस्ती प्रार्थना में बिठाने की ज़रूरत है, मॉर्निंग प्रेयर में बैठे कि जब तू स्कूल जा रहा है उससे पहले तेरी ये ड्यूटी है, तेरा ये काम है कि तूने 15-20 मिनट, हाफ एन आवर प्रेयर करनी है। जब तू स्कूल से आता है तो शाम को तूने प्रेयर करनी है, तूने झूठ नहीं बोलना, तूने गालियाँ नहीं निकालनी, ये सीरियल्स नहीं देखने, ये गाने नहीं सुनने, ऐसी संगति में नहीं रहना। वो डिसिप्लिन अपने बच्चों के जीवन में नहीं बोती, वो उन्हें गाइड नहीं करती, और फिर जब वही बच्चा उन्हें तंग करता है, उनकी शर्मिंदगी का कारण बनता है, गालियाँ निकालता है, इधर उधर जाता है, परमेश्वर से प्यार नहीं करता, परमेश्वर से दूर रहता है, तो फिर वो माएँ फिर रोती हैं, वो प्रार्थनाएँ, फिर वो पास्टर्स के पास जाती हैं, परमेश्वर के दासों के पास जाती हैं कि उन पे हाथ रखे, उनके लिए प्रेयर करे, मेरा बच्चा सुधर जाए। पर जब सुधरने का टाइम था, जब सुधारने का टाइम था, जब बोने का टाइम था, तब आपने उसके जीवन में नहीं बोया, और फिर जब काटने का टाइम आ रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। जो आप अपने जीवन को देते हैं, जो कुछ आप बोते हैं, वो आपको काटना पड़ेगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है। आज रिश्तेदारों के कारण कि रिश्तेदार बुरा ना मान जाए, वो फील ना करें, तो आप उनके साथ वो सेलिब्रेशंस में शामिल हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी। उन रीति रिवाजों को आप फॉलो करते हैं रिश्तेदारों की खातिर, अपने भाई बहनों की खातिर, जो कि बिब्लिकल नहीं है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर मुसीबत में उनके साथ रहे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, परमेश्वर उनकी बातों को, उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। जब आपने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, आपने जो उसके लिखित वचन है उसे फॉलो नहीं किया, तो क्यों परमेश्वर फिर आपकी प्रार्थना को सुने, क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे? जैसा आपने परमेश्वर के साथ किया है, जैसा धोखा आपने परमेश्वर को दिया है, तो फिर ये नेचुरल है कि वैसा धोखा आपकी लाइफ में आएगा। मायने नहीं करता कि आप कौन से लेवल में हैं, मायने नहीं करता कि वो रिश्तेदार आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो किस लेवल पर है, वो कितना बड़ा है, वो कितना अमीर है, वो कितना गरीब है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर के वर्ड के साथ फेथफुल हैं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं,
याकूब ने जब धोखा बोया तो फिर उसने धोखा काटा। तो मत एक्सपेक्ट करो कि आप परमेश्वर को धोखा दे दोगे, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करोगे और फिर बाद में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज भी बहुत से ऐसे फंक्शंस, जब शादियां होती हैं, लोग सब चीज़ें फॉलो करते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, सब रीति रिवाज फॉलो करना चाहते हैं। और जब मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, एक महीना होता नहीं है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, तो तब फिर प्रेयर करवाते हैं। जब मैरिज करवानी थी तब तो तूने देखा नहीं कि वो प्रभु में है कि नहीं है, तब तू कह रहा है कि मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं, मेरे फलाने मुझे फोर्स कर रहे हैं कि शादी करा ले, कोई नहीं। तूने तब तो देखा नहीं कि वो प्रभु में नहीं है। और जब मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई, वही जब तुझसे लड़ती है, तो तू फिर प्रेयर करवा रहा है। क्यों बेवकूफ़ बन रहे और पास्टरों को भी बेवकूफ़ समझते हो? परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर नहीं, वो आत्मिक है। परमेश्वर आपसे ऑलरेडी बात कर चुका है अपने लिखित वचन के द्वारा, आप इसी को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो कैसे आपसे पर्सनली बात करे? जो कुछ आप अपने जीवन में बोते हो, आप वही काटते हो। अगर आप बच्चों के जीवन में अनुशासन को बोगे, आज से परमेश्वर के प्रति उनके हृदय में प्यार को, वफादारी को उत्पन्न करोगे, परमेश्वर के भय को उनके जीवन में रखोगे, तो फिर कल के दिन वही बच्चे आपकी ब्लेसिंग का कारण बनेंगे, वही बच्चे आपकी नामधराई को दूर करेंगे, आपको उस लेवल पर लेकर जाएंगे जिस लेवल पर परमेश्वर चाहता है। ऐसी गवाहियां परमेश्वर उन बच्चों के थ्रू आपके जीवन में देगा कि आप अपने गली मोहल्ले, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों में ऊंचे किए जाओ और लोग जब आपको देखें तो वह परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो आज से आपको वही बोना है जो आप अपने जीवन में काटना चाहते हैं, आज आपको अपने जीवन को वही देना है जो आप फ्यूचर में अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जब ताकि जब कटनी का समय आए तो आप आनंदित हों और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेस हो खुदावंद। और आज से खुदावंद तो इन्हें समझ दे, इन्हें वचनों का ज्ञान दे, इन्हें बुद्धि दे, ताकि अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को बोएं और अच्छी चीज़ों को काटें। मेरे परमेश्वर, तू खुदावंद इनके पापों को क्षमा कर, इन्हें ऊंचा कर, इन्हें ब्लेस कर, क्योंकि तूने इन्हें चुना है ऊंचा करने के लिए, तूने इन्हें चुना है माफ़ करने के लिए, इन्हें तूने अपनी रोशनी में बुलाया ताकि ये तेरे गुणों को प्रकट कर सके। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से जब लोग इन्हें देखें तो लोग इनमें तुझे देखें। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हों और खुदावंद तेरे नाम को महिमा दें। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।